आप बहुत अच्छा और फिलबदी बोलती हैं, ये लहजा, ये अंदाजे गुफ्तगू सिर्फ इम्पोर्टेड हुकूमत के लिए ही है या चीमा साहब का भी ऐसे ही मुआसबा करती हैं? चीमा साहब का ज्यादा होता है। अच्छा। बल्कि प्रैक्टिस इधर करती हूँ। प्रैक्टिस नहीं, बिल्ट इन है दोनों में। अच्छा। ये भी कोई कम नहीं है। जब चीमा साहब ने दूसरी मुलाकात में प्रपोज कर दिया तो क्या उस वक्त अंदाजा था कि ये दूसरी मुलाकात इतनी बड़ी तारीख रकम करने जा रही है? हम लोग फ़ोन पे तो बात करते थे, लेकिन एजेंडा वॉज कप ऑफ कॉफ़ी, और अंदाज़ा था भी और नहीं भी, लेकिन प्रपोज कर देंगे इतनी जल्दी शायद ये नहीं था, बट ये मुझे अंदाज़ा था कि लाइकिंग डेवलप हो गई है जी। जब मियां बीवी एक ही प्रोफेशन में हो, बल्कि एक ही पार्टी में हो, तो घर पे तो पार्लियामेंट का इजलास ही जारी रहता होगा? नहीं, कोई ख़ास नहीं, लेकिन ये है कि हम दोनों का ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहता है एक पार्टी में रहते हुए भी, यानी कि ये अगर राइट विंग में है तो मैं पार्टी में लेफ्ट में हूँ, यानी कि यू कैन से कि हमारे नज़रियात कभी भी फॉर वन इंडिविजुअल सेम नहीं है सिवाय खान साहब के। तो कैसे फिर इख्तलाफ़ राय को मैनेज करते हैं? नहीं, बेसिकली आप कह रहे हैं कि मैनेज नहीं हम करते हैं। हाँ, हम उसे टारगेट करते हैं। स्पेशली मतलब आप कह रहे हैं कि अलाउ करते हैं कि ये डिफरेंस ओपिनियन के साथ रहें, कंसेंसस बिल्ड नहीं करते। कभी ऐसी कोशिश तो नहीं करते कि नहीं जो मेरी राय है वही ठीक है, इसको माने दूसरा फ्रीक? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं, ये तो करती है, बाकायदा झूठ बोल रही है। ये तो करती है, मैं नहीं करती। वो मैं बता देती हूँ, मैं बोल रही हूँ। मैं ज़्यादा जमहूरी आदमी हूँ, ठीक है, मैं न्यूट्रल बिल्कुल नहीं हूँ, ठीक है, शी इज़ न्यूट्रल। आई एम नॉट न्यूट्रल एट ऑल, आई हेट दिस वर्ड राइट नाउ। इन फैक्ट देखें, हम नाम आज नहीं लेते, कुछ लोग जो हमारी पार्टी अब छोड़ चुके हैं उनके बारे में मेरी एक खास राय थी कि 2015 से कि दे आर नॉट लॉयल, जो लोग क्लेम करते थे दोस्तों का दोस्त फलाना डिमाका, मैं कहती थी नहीं। तो उस पे हमारा शदीद इख्तलाफ रहता था काफ़ी साल, ये और इनके सारे ग्रुप के जो दोस्त थे उन सबको मैं बहुत ही बुरी लगती थी, और हमारी बड़ी हार्ड डिस्कशंस होती थी उस टॉपिक को लेकर। लगती नहीं, एक्चुअली भी ऐसे ही लगती शक्ति छोटा लफ्ज एक्चुअली भी ऐसा ही। चीमा साहब तो आज बिल्कुल ऑपोजिशन लीडर लग रहे हैं जैसे मैं गवर्नमेंट। चीमा साहब, शौहर ज्यादा अच्छे हैं या सियासतदान? शौहर तो बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं रिश्तों में, ही इज टू गुड, और एज ए पॉलिटिशियन भी इसलिए अच्छे हैं कि ही इज़ प्योर ना, ये किसी जाती गेन या कोई अपने मकासद के लिए पॉलिटिक्स में नहीं आए। ही वॉन्ट्स के एक अच्छा आदमी है खान साहब, वो मुल्क के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं तो हम उसमें अपना हिस्सा डालें। इंसान देखें जी, जो खालिस है या जो लॉयल है, वो उसको जिस रिश्ते में भी आप देखेंगे वो वही वैसा ही रहेगा, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, खामंद हो, बाप हो, बेटा हो। शोहर के बारे में जो उनकी राय है, कि आप उससे इत्तफाक करते हैं, वो दिल से कह रही हैं या सियासी बयान दे रही हैं? नहीं, सही तो वही बता सकती है, मैं इधर नहीं बता सकता, लेकिन बहरहाल जिसे कहते हैं ना, मैं या सच बोलता हूँ या नहीं बोलता। हाँ। सो अभी भी मैंने जो कुछ कहा ठीक है, इसका मतलब यही है। ये जो प्योरिटी वाली बात है, तो ये अल्टीमेटली एक बड़ी खूबसूरत चीज़ होती है, सच्ची बात है। बट आई हेट दिस वर्ल्ड के लोग कहते हैं ये, बिलीव मी, सो प्लीज़ यकीन जानिए, तो आई हेट दिस वर्ल्ड कि अगर आपको किसी बंदे के साथ पुराना रिश्ता है तो फिर भी आपको ये कहना पड़े, इसका मतलब है कि यू आर नॉट प्योर। यानी कि माशाल्लाह इनकी तारीफ वाले अल्फाज मेरे सारे ठीक है। हमारा एक सेगमेंट है कंपैटिबिलिटी टेस्ट। बेगम का पसंदीदा कलर कौन सा है? 10 सालों में मैंने जो महंगा कीमती अच्छा जोड़ा कलर कोई भी हो वो खरीद लेती हैं। सो इसकी बेस पे डिसाइड करना कि इन फलाना पसंदीदा है वो नहीं है। और अगर आप वार्डरूम में जाएंगे तो मे बी देयर मस्ट बी अराउंड 1000 सूट, तो 1000 में कलर को आप देख नहीं सकते कि फलां कलर ज़्यादा है। सो अगर कोई बताया भी है उसने कि जी फलां कलर मेरा पसंदीदा है, तो गलत बात है। चीमा साहब गौर ही कर लेते, माई फेवरेट कलर इज ग्रीन, लुक एट मी। एक्चुअली शॉपिंग कभी की नहीं, ना कभी शॉपिंग में कंपनी दी है। हाउ डू यू नो? कलेक्शन में अगर देखेंगे तो शायद सारे लेने होते हैं, शायद पिंक कलर ज़्यादा है, लाइट ब्लू ज्यादा है। ग्रीन इज माय फेवरेट। चीमा साहब रॉन्ग। या रॉन्ग। बेगम खाने में सबसे मैं सारों में फेल होऊंगा। बेगम खाने में सबसे अच्छा क्या बनाती हैं? बेवकूफ। She does not cook anything. ये राइट आंसर है। बेगम किन चीजों की फरमाइश ज्यादा करती है? शॉपिंग, सैर, इकट्ठे जाना, सेलिब्रेशन, ये इस पे ज्यादा आप कह लें पर्टिकुलर, मैं उतना पर्टिकुलर नहीं हूँ। शॉपिंग करते हुए किन चीजों पर बेदरेग खर्च करती है? कपड़े, जूते, परफ्यूम। बैग्स और जूते ज्यादा, फिर कपड़े। बेगम नाराज हों या खुश हों तो इजहार कैसे करती है? इसका मुंह सूज जाता है, बूढ़ी बूढ़ी लग रही होती है। ये चीमा साहब पिछले जो मैं प्रोग्राम में बैठी नहीं ना, नाजरीन ये बात याद रखे, ये बदला लिया जा रहा है।
अनबन हो जाए तो मनाने में पहल कौन करता है? हमेशा मैं, हमेशा। नहीं ऐसा भी नहीं है हमेशा ये, लेकिन कभी एक बार मैं भी वो मैं बाहर आकर गर्मी में सो जाता हूँ, तो गर्मी में सोए कभी कभी इसको तरस आए तो उठा के लेती हूँ। नॉर्मली नहीं, नॉर्मली नहीं। नहीं तो आप खुद वॉकआउट करते हैं या कमरे से निकाल देते? मैं वॉकआउट करता हूँ। वो चाह चाह से उठने बैठ उठ के बता रहा बाहर सो जाता हूँ। चिमा साहब ये प्रोग्राम है, आई वॉन्ट टू रिमाइंड यू। अच्छा जी, आपसे पूछते हैं ना जी, चीमा साहब का पसंदीदा कलर? चीमा साहब का ये ना कि इनकी शॉपिंग मैं करती हूँ, बट ब्लैक इज ऑलवेज हिज फेवरेट। क्यों जी, ऐसे ही है सर? आपने जिस तरह पूछा है वो इनकार कर ही नहीं सकते। इतने सादा बिल्कुल नहीं है। चीमा साहब खुश हो या नाराज हो कैसे पता चलता है? चीमा साहब खुद से वैसे नाराज नहीं होते, वो मैं ही करती हूँ। तो मुझे पता चल जाता है क्योंकि मैंने किया होता है। और दूसरी बात मनाने में भी ही इज टू इजी, ही इज एन इजी पर्सन। सच्ची बात है, जिंदगी आसान। चीमा साहब शाह खर्च है या कंजूस? नहीं, कंजूस तो बिल्कुल नहीं है, और हिसाब किताब भी बिल्कुल नहीं रखते। और अपनी जात के ऊपर हमेशा, जो कि मैं तो बेदरे इनके लिए करती हूँ खर्च, लेकिन ये ना, ही विल नॉट वियर एनी वॉच। शुरू में शादी में मेरा होता था कि जी आप वो रिंग, मुझे शौक था कि ये पहने, फिर गोल्ड की नहीं थी लेकिन प्लैटिनम वगैरह, लेकिन ये ना कोई भी चीज़ पहनी हो ना, तो इन्होंने मुझे कहा ठीक है तुम मुझे पहना दो, तो फिर आपने माइंड नहीं करना, गुम जाती है मेरे से चीज़ें। ये बेसिकली ऑफिस में भी अपने कफ्स वगैरह पीछे करके, कफलिंग्स में बहुत शौक से बड़े खूबसूरत ब्रांडेड मैंने, और टाई पेन वगैरह सब कुछ करना। तो उसके बाद ये होता है कि उतार के ना बाजू पीछे कर लेते हैं, इवन सिटिंग इन हिज ऑफिस और इधर उधर ग्लासेस बहुत घुमाते हैं। तो देन फिर मैंने कहा नहीं ठीक है, ही इज़ वेरी सिंपल। शॉपिंग करते हुए किन चीज़ों पर बेदरेग खर्च करते हैं? चीमा साहब बुक्स बुक्स बुक्स, ये एयरपोर्ट पे वेटिंग एरिया में उधर देख, सबसे पहले बुक शॉप्स को करें ढूंढेंगे, ये एक ही चीज़ पे मैंने इनको खर्चते देखा है, उसके अलावा नेवर। आपको गिफ्ट देते हैं? हाँ जी, मैं ले लेती हूँ। हर वेडिंग एनिवर्सरी, बर्थडे, ये गिफ्ट खरीद के आ गई थी जमशेद, आपने मुझे बहुत अच्छा दिया। अब तो मैं इतना खुश होती हूँ, ये दूसरा साल है मदर्स डे पे, विमेंस डे पे, ये सारे मेरे घर के मर्द तीनों ये मुझे गिफ्ट देते हैं मेरे लिए, वो सरप्राइज़। इस दफ़ा मैं भूल गई थी, बट मेरे बेटे ने बहुत अच्छे से अरेंज किया, बेटे मेरे पे ही हैं, वो सरप्राइज़ देना, अरेंज करना। ज़्यादातर क्या गिफ्ट देते हैं? ज्वेलरी पीस हो गया, वॉच हो गई वो, और मैं लेती हूँ अपनी पसंद का हूँ। ये लोग जाएँ खुद तो परफ्यूम शॉप या कोई लिपस्टिक्स वगैरह इस टाइप की, बच्चा अब वो थोड़ा सा करता है। कभी कहा नहीं कि कभी आप अपने हाथ से भी कुछ बना के खिलाएं? पता नहीं, ईद पे कहते हैं, हर साल फरमाइश करते हैं कि इसने तो मुझे कभी चाय भी नहीं पिलाई। बट वी आर टू बिजी एंड प्रैक्टिकल। फरमाइश नहीं होती, वो तो दुख का इजहार होता है। हाँ वही ना, पूरी ऑडियंस को बताना दुख का इजहार होता है। हाँ। पिछले एक हफ्ते में इसने दो बार मुझे पानी पिलाया, तो मैं हैरान हो रहा था कि पहले मैं कहता था कि कैसे कसम उठवा लो, आज तक इसने पानी नहीं मुझे पिलाया। आपको चीमा साहब पानी के लिए साइड टेबल के ऊपर बाजू ऐसे करके ऐसे ही रखना है एवरी टाइम। जो चीज़ें इनको पसंद है, नट्स हो गए, ये ड्राई फ्रूट गर्मी सर्दी एक बराबर खाते हैं, डेट्स वगैरह जो कुछ भी, वो सारा इनके सामने पड़ा है। साथ जो पानी इनको पसंद है, जैसे गर्मियों में ये वो पीते हैं फालसे का, एक दो दफ़ा ऐसे हुआ कि वो जग में पानी ख़त्म हो गया तो मैं लेने गई और इन्होंने मुझे ये बोला, अच्छा तुमने मुझे बोलने जब छोड़ दिया।